Assalamualaikum viewers, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक जैपनीज़ गाड़ी का वेरिएंट लेके आया हूँ, जिसकी डिटेल्स को मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर करूँगा। सो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स प्रॉपरली मिल सकें। और इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि आप में से जो हज़रात इस गाड़ी को ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ईजिली इस गाड़ी को अप्रोचेबल बना सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक का इजहार करना ना भूलिएगा, जो कि मेरे लिए हमेशा वैल्यूएबल रहती है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हियर वी गो। जैपनीज टोयोटा CHR अनरजिस्टर्ड फोर ग्रेड के साथ 2019 का ये मॉडल है, जिसे 2024 में इम्पोर्ट किया गया है। ड्यूअल कलर टून और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 1800 सीसी की इंजन कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है। 73,000 किलोमीटर इसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है और 85 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। फ्रंट साइड को बहुत ही अट्रैक्टिव और अग्रेसिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसके बॉटम में ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे अवेलेबल हैं 2 फॉग लैंप्स और 4 पार्किंग सेंसर्स। हेडलाइट्स आर अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें LEDs और बाय प्रोजेक्शन लैंप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और फ्रंट साइड पे टॉप के सेक्शन में रेडार का फीचर भी अवेलेबल है। बैक साइड को भी फ्रंट साइड की तरह बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसके टॉप के सेक्शन में ब्रेक लाइट्स को इंडिकेट करने का फीचर और बैक साइड के व्यू क्लियर करने के लिए वाइपर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ब्रेक लाइट्स आर अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन विद अ वेरी यूनिक शेप। और बैक साइड पे कैम की फैसिलिटी के साथ 4 पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। बैक डोर हैंडल्स बॉडी फिटेड कंडीशन में सेम कलर के साथ अवेलेबल हैं, और फ्रंट दोनों डोर हैंडल्स क्रोम में कीलेस एंट्री की फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ ड्राइविंग साइड का डोर बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। क्रोम का लीवर इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रहा है। और फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई हैं पावर विंडोज, विंडोज एंड डोर लॉकिंग अनलॉकिंग फीचर, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। सेम कलर के इंटीरियर के साथ बैक साइड के दोनों डोर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें क्रोम का लीवर इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रहा है। फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई हैं बॉटल होल्डर, पावर विंडो एंड इंस्टॉल्ड स्पीकर। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ रूम में मौजूद फ्रंट साइड की कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है, और बैक साइड को भी फ्रंट साइड की तरह प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे, एंड हियर इज द की। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ इसका तमाम तर रूम और इसके डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है, जिसके दोनों एजेस पे स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सेफ्टी पर्पस के लिए एयरबैग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है विद AC ग्रिल, और फ्रंट साइड का दूसरा एयरबैग लेफ्ट साइड के पिलर में मौजूद है। डैशबोर्ड के बॉटम सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में अवेलेबल है एंटरटेनिंग पैनल विद 2 AC ग्रिल्स, हैजेस लाइट्स का बटन और इसका AC पैनल, जिसे बटन्स की मदद से इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। ड्राइविंग साइड पे प्रोवाइड की गई है AC की ग्रिल एंड पुश स्टार्ट बटन की फैसिलिटी। स्टेयरिंग की बात की जाए तो इट इज अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें क्रोम का बैज इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रहा है। कंफर्टेबल राइड के लिए बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि राइड को सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सके विद द फैसिलिटी ऑफ क्रूज टॉनिक। सेफ्टी पर्पज के लिए एयरबैग की फैसिलिटी भी मौजूद है, और फ्रंट साइड का चौथा एयरबैग इसके राइट साइड के पिलर में प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर की कंडीशन आफ्टर टर्निंग ऑन द SUV। सो दिस इज द स्टार्टअप, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया इसके स्पीडोमीटर को। राइट साइड पे 180 किलोमीटर की स्पीड रेंज मौजूद है, लेफ्ट साइड पे हाइब्रिड इंडिकेशंस के लिए मीटर प्रोवाइड किया गया है, और मिड के सेक्शन में मौजूद है डिजिटल पैनल, जिसकी मदद से आप अपनी तमाम तर माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल आफ्टर टर्निंग ऑन विद द फैसिलिटी ऑफ डिजिटल वॉच, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स AC पैनल आफ्टर टर्निंग ऑन। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए सो इट इज वेरी वाइड एंड अनफ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके पेडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूँ, एंड आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द ड्राइविंग सीट। फ्रंट दोनों सीट्स लेदर और फैब्रिक के स्टफ में अवेलेबल हैं विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और काफी कंफर्टेबल और फाइन कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसकी सीट्स अवेलेबल हैं। इन सीट्स के मिड में प्रोवाइड किया गया एक पैनल, जहां पे अवेलेबल है आर्म रेस्ट, और स्क्रीन स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके, जिसके अंदर स्मोकिंग पर्पज के लिए एक पोर्ट भी प्रोवाइड की गई है। और इसके साथ प्रोवाइड किया गया एक कप होल्डर विद द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, EV मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर, और उसके साथ प्रोवाइड किया गया है ऑटो ट्रांसमिशन लीवर और एक मजीद कप होल्डर की फैसिलिटी भी मौजूद है। ड्राइविंग साइड पे मौजूद शेड मिरर की फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है, जिसमें ऑटो लाइट ऑन ऑफ का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है, और सेम फीचर्स और सेम कंडीशन के साथ सेकंड सीटर साइड का शेड भी अवेलेबल है। और इन दोनों शेड्स के मिड में प्रोवाइड किया गया है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं गाड़ी की बैक सीट पे, और आपको बताता चलूं आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं इट इज टू मच वाइड, काफी इनफ लेग स्पेस प्रोवाइड की गई है बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट दोनों सीट्स की बैक साइड पे ये पॉकेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हैं।
बैक सीट्स फैब्रिक और लेदर के स्टफ में अवेलेबल हैं विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का विद अ वेरी फाइन कलर कॉम्बिनेशन। सेफ्टी पर्पस के लिए सीट बेल्ट्स भी प्रोवाइड की गई हैं और बैक साइड पे 2 एयर बैग्स की फैसिलिटी भी मौजूद है। बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए रूफ में अवेलेबल है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन। ऑब्जर्व करते हैं इसके बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस जिसके अंदर लगेज की एक बहुत ही अनफ क्वांटिटी इजीली कैरी की जा सकती है, बट अगर लगेज की क्वांटिटी को इंक्रीज करना हो तो बैक सीट्स फोल्डेड कंडीशन में अवेलेबल हैं बिकॉज इसके बूट के एरिया भी इसके रूम का ये सेट इज नॉट सेपरेटेड और नाइट व्यू के लिए लाइट पैनल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड। सो व्यूअर्स ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।